राजस्थान कला और संस्कृति के लोक संत से रिलेटेड पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे सगुण भक्ति धारा की एक संत मीराबाई के बारे में। मैं रमन भारद्वाज, भारद्वाज क्लासेस से, और आइए हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान कला और संस्कृति का लोक संत से रिलेटेड हमारा पार्ट थर्ड। मीराबाई, मीराबाई को कहा जाता है राजस्थान की राधा। अब मीराबाई के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं गुजरात के एक मंदिर में, रणछोड़ मंदिर। और ये रणछोड़ मंदिर है गुजरात के डाकोर में, जो कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। ऐसा बताया जाता है कि सन 1546 ईस्वी में मीराबाई जब इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर नृत्य कर रही थी तो उसी समय भगवान कृष्ण ने इनको अपने अंदर समा लिया। और भगवान कृष्ण ने जब इनको अपने अंदर समाया तो उस समय इनकी चुनरी का एक भाग भगवान कृष्ण के मुख से निकला रह गया, ऐसा बताया जाता है। तो मीराबाई भगवान कृष्ण से इतना प्रेम किया करती थी, उनकी भक्ति में इतना डूबा करती थी, तो मीराबाई के जीवन काल को लेकर हमको एक बार चर्चा करनी चाहिए। और सबसे पहले हम चलते हैं मीराबाई के जन्म स्थान की ओर। राजस्थान के नागौर के मेड़ता में गांव आता है बाजोली गांव। यहां पर सन 1498 ईस्वी में मीराबाई का जन्म हुआ था। अब हो सकता है कि आप अगर अलग अलग गाइड या किताबें पढ़ रहे होंगे तो मीराबाई के जन्म स्थान को लेकर अलग अलग बातें लिखी गई होंगी, लेकिन ध्यान देना कभी भी गाइड के आधार पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को कोर्ट के अंदर जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं जिन सोर्स के आधार पर आपको पढ़ा रहा हूं वो ऑथेंटिक बुक्स है और उनके आधार पर आप किसी क्वेश्चन या उसके आंसर को कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं वो ऑथेंटिक मानी जाती हैं और इनके आधार पर क्वेश्चन चैलेंज हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट पर वापस आ जाता हूं। तो वो चीज माइंड में मत रखना कि सर आप तो ये गांव बता रहे हैं जबकि दिया हुआ ये है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो सन 1498 ईस्वी में नागौर के मेड़ता के बाजोली गांव में मीराबाई का जन्म हुआ था। और मीराबाई के जो पिता थे वो मेड़ता के शासक थे राव रतन सिंह। लेकिन देखिये मीराबाई का जो पालन पोषण हुआ था वो हुआ था मेड़ता के कुड़की गांव में, और इनका पालन पोषण किया था इनके दादा राव दूदा ने। अब मीराबाई को बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण से लगाव हो गया, बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति किया करती थी। क्यों? क्योंकि ये भक्ति उनको विरासत में मिली थी। कैसे? उनके दादा और दादी जो हैं वो भगवान कृष्ण की भक्ति किया करते थे और इसी से प्रेरित होकर मीराबाई भी भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगी थी। उनके दादा ने मेड़ता के अंदर मीराबाई के लिए चार भुजानाथ जी के मंदिर का निर्माण भी कराया था। अब देखिए बाद में जब मीराबाई बड़ी हुई तो सन 1516 ईस्वी में, यानी कि इस समय मीराबाई की आयु कितनी हो गई, 18 वर्ष। तो 18 वर्ष की आयु में सन 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह कर दिया गया और मीराबाई का विवाह किया गया मेवाड़ के भोजराज जी के साथ। ये जो भोजराज जी है ये मेवाड़ के शासक थे महाराणा सांगा, उनके बड़े पुत्र थे। लेकिन देखो 1516 ईस्वी में मीराबाई की शादी हुई और शादी के एक साल बाद ही 1517 ईस्वी में भोजराज जी शहीद हो गए थे। कैसे? 1517 में एक युद्ध हुआ था, खातोली का युद्ध, और यह युद्ध हुआ था मेवाड़ के महाराणा सांगा और दिल्ली के इब्राहिम लोधी के मध्य। इस युद्ध में महाराणा सांगा तो जीत गए थे, महाराणा सांगा जीत तो गए थे, लेकिन उनके जो बड़े पुत्र थे भोजराज जी वो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो अब जरा आप सोचिए, देखो यहीं से यही वो घटनाएं हैं जिनके कारण किसी महिला का संसार से ध्यान हटकर और भगवान की भक्ति की ओर ध्यान जाएगा। क्योंकि 1516 में इनका विवाह हुआ, एक साल के अंदर ही इनके पति का निधन हो गया। अब उस समय के रीति रिवाज और परंपराएं क्या होती थी कि अगर पति का निधन हो गया तो महिला को भी जिंदा उसकी इच्छा के विरुद्ध, और कई बार क्या होती थी महिला की इच्छा होती थी लेकिन ज्यादातर महिला की इच्छा के विरुद्ध जिंदा अग्नि की चिता पर बैठा दिया जाता था, जिसको हम सती प्रथा कहते थे। लेकिन अगर कोई महिला सती नहीं होती है तो उस समय के रीति रिवाज या परंपराएं ऐसी होती थी जिनमें उस विधवा महिला को सम्मिलित नहीं किया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर इन रीति रिवाजों में, शुभ कार्यों में विधवा महिला सम्मिलित हो जाएगी तो ये सारे कार्य अशुभ हो जाएंगे। यानी कहने का अर्थ यह है कि सामाजिक दृष्टि से मीराबाई तिरस्कृत होने लग गई, अपमानित होने लग गई। अब महाराणा सांगा के शासन काल में तो इनको कोई ज्यादा विशेष समस्या नहीं हुई, महाराणा सांगा के बाद अगले जो शासक बने रतन सिंह उनके समय में भी कोई समस्या नहीं, लेकिन जो मेवाड़ के शासक बने विक्रमादित्य, उस समय में मीराबाई को बहुत पीड़ित किया जाने लगा। तो मीराबाई का ध्यान धीरे 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 संसार से हट गया और भगवान कृष्ण की भक्ति की ओर इनका ध्यान चलने लग गया।
तो उस समय मीराबाई महाराणा विक्रमादित्य के समय मेवाड़ को छोड़कर कहां चली गई, वृंदावन, और भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगी। जब ये वृंदावन गई तो वहां पर इन्होंने रूप गोस्वामी से भक्ति की शिक्षा दीक्षा ली, भगवान कृष्ण की शिक्षा दीक्षा ली। रूप गोस्वामी वही व्यक्ति हैं जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। अब सवाल यह है कि सर चैतन्य महाप्रभु कौन थे, तो थोड़ा सा बता देता हूं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, क्योंकि इनके बारे में भी मैं एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा। चैतन्य महाप्रभु जो है ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे। गौड़ीय संप्रदाय जो है ये भगवान कृष्ण की भक्ति पर बल देता है। आपने एक मंदिर का नाम सुना होगा, या हो सकता है आप उस मंदिर में गए भी होंगे, जो जयपुर में आता है, गोविंद देव जी का मंदिर। ये जो मंदिर है ये गौड़ीय संप्रदाय से ही संबंधित है। तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए कौन है, चैतन्य महाप्रभु। उनके शिष्य कौन थे, रूप गोस्वामी, और रूप गोस्वामी को अपना गुरु बनाया, उनसे शिक्षा दीक्षा ली इन्होंने, मीराबाई ने। इसके बाद मीराबाई द्वारा लिखी गई रचनाओं की बात कर लेते हैं, यानी वो रचनाएं जिनका निर्माण मीराबाई ने किया है, और इसको हम सीधे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखो मीराबाई है, और मीराबाई जो है ये भगवान की भक्ति किया करती थी। तो केवल मीराबाई ही नहीं, कोई भी अगर भगवान का सच्चा भक्त है तो ध्यान देना, अगर कोई भक्त भगवान से रूस जाए, रूसने का मतलब हो गया रूठ जाना या नाराज होना, तो कोई भक्त अगर भगवान से रूस भी जाए तो भगवान उसको मना लेते हैं। अगर कोई भक्त गिर गया है तो भगवान उसको उठा लेते हैं, यानी अगर कोई गिरा हुआ है तो भगवान उसको उठा लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका भक्त नर है या मादा, यानी मेल है या फीमेल। तो यहां जो जो शब्द मैंने लिए हैं, इन शब्दों में मीराबाई द्वारा लिखी गई सारी रचनाएं आ गई। कैसे, ध्यान देना, सबसे पहले मीरा से ही समझ लो। मीरा का अर्थ हो गया मीरा की गरीबी, और दूसरा हो गया मीरा की पदावलियां। अब रूस, तो रूस में दो आएंगे, एक तो आएगा रू से, रू का अर्थ हो गया रुक्मणी मंगल, और रूस का अर्थ हो गया सत्यभामा जीनु रूसनो। घी रा, तो घी से हो गया गीत गोविंद री टीका, रा से हो गया राग गोविंद, और नर, नर से हो गया नरसी मेहतानी हुंडी। यहां मादा केवल मैंने वैसे जोड़ा हुआ है। अब यहां इनके द्वारा लिखे गए जो ये रचनाएं हैं, इसमें कुछ रचनाओं की मैं बात कर लेता हूं जो कि मिलते जुलते शब्द हैं, जहां हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे एक तो है गीत गोविंदरी टीका, इसको लेकर कंफ्यूज मत होना। सॉरी, गीत गोविंदरी टीका तो किसने लिखी है, मीराबाई ने। और एक किताब है गीत गोविंद, जो 12वीं शताब्दी में जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। उस किताब में जयदेव ने भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बारे में लिखा है, और उसी किताब पर, यानी गीत गोविंद पर, महाराणा कुंभा ने एक टीका लिखी है जिसका नाम था रसिक प्रिया की टीका। और उस रसिक प्रिया की टीका में महाराणा कुंभा ने गीत गोविंद में जो जो पद गाए जाते हैं, तो उन पदों के साथ क्या राग होंगे, क्या रागनियां होंगी, उन बात का निश्चय किया था महाराणा कुंभा ने, किसमें, रसिक प्रिया की टीका में। वैसे महाराणा कुंभा से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं या जो महत्वपूर्ण बातें हैं सांस्कृतिक क्षेत्र से, उन सब के बारे में मेवाड़ रियासत के पार्ट 6 में मैंने ट्रिक के माध्यम से सारा बताया हुआ है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। तो मीराबाई की मेन मेन हमने ये रचनाएं देख ली। कौन कौन सी रचनाएं देखी, मीरा की गरीबी, मीरा की पदावलियां, रुक्मणी मंगल, सत्य भामा जीनु रूसनो, गीत गोविंदरी टीका, राग गोविंद, और इसके अतिरिक्त तो हो गया नरसी मेहतानी हुंडी। अब ध्यान देना आप कि एक किताब और है नरसी जीरो मायरो, इस किताब की रचना रत्ना खाती ने की थी मीराबाई के कहने पर। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नरसी जीरो मायरो की रचना रत्ना खाती ने किसके निर्देशन में की, तो किसके निर्देशन यानी किसके कहने पर की थी, मीराबाई के कहने पर की थी। अब ये हो गई मीराबाई से संबंधित रचनाएं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए मीराबाई वृंदावन में थी, और वृंदावन के बाद फिर अपने अंतिम समय में वो चली गई थी गुजरात। गुजरात के डाकोर में एक मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, रणछोड़ मंदिर, और यहीं पर ऐसा बताया जाता है कि मीराबाई जब भगवान कृष्ण की भक्ति में नृत्य कर रही थी तो भगवान कृष्ण ने उनको अपने अंदर समा लिया था। वही घटना जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे जिक्र किया था, आपसे चर्चा की थी। अब मीराबाई से संबंधित एक सवाल ले लेते हैं, और क्वेश्चन ये है कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। वागड़ हम जानते हैं राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है इसको वागड़ क्षेत्र कहते हैं, और वागड़ की मीरा किसको कहते हैं, गवरी बाई को। अब गवरी बाई और गवरी देवी के नाम में कंफ्यूज मत हो जाना, गवरी बाई अलग है और गवरी देवी अलग है। गवरी बाई को तो हमने क्या कहा, वागड़ की मीरा,
जबकि गौरी देवी जो है ये मांड गायन के क्षेत्र से संबंधित हैं और इनका जन्म हुआ था गौरी देवी का सन 1920 में जोधपुर में। इनके जो माता पिता थे गौरी देवी के वो बीकानेर रियासत से संबंधित थे और बीकानेर रियासत में बीकानेर दरबार में वो गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए थे यानी गाने के क्षेत्र से। तो इसका मतलब क्या है कि गौरी देवी को जो ये गायन जो मिला यानी जो संगीत मिला वो उनको विरासत में मिला था। तो कुल मिला के ये है गौरी बाई अलग है जिनको वागड़ की हम मीरा कहते हैं, गौरी देवी अलग है जो कि मांड गायन के क्षेत्र से संबंधित है। अब मीराबाई की भक्ति को लेकर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं। देखिए मीराबाई का जो भक्ति भाव है वो कहा जाता है माधुर्य भक्ति, यानी कि बस सिर्फ आपको अपने भगवान से प्रेम करना है, अपने भगवान से भावनाएं जोड़ी हुई रखनी है। अब एक बात पर आप ध्यान देना कि मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति क्या करती थी, भगवान कृष्ण के मूर्त रूप को पूजा जाता है यानी उनकी मूर्ति को पूजा जाता है। इसका मतलब मीराबाई जो है ये सगुण भक्ति धारा की संत थी। हम ये जानते हैं कि भक्ति धारा दो प्रकार की है, एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के जो संत हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, जबकि निर्गुण और निराकार भक्ति धारा के जो संत हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। और ये कॉन्सेप्ट, ये सवाल, ये विषय ऐसा है जहां से सवाल निकल जाता है कि सगुण भक्ति धारा क्या है और निर्गुण भक्ति धारा क्या है, सगुण भक्ति धारा के संत कौन कौन से हैं और निर्गुण भक्ति धारा के संत कौन कौन से हैं। तो जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूं वहां पर मैं ये चीज स्पष्ट करता हुआ चल रहा हूं कि ये संत सगुण भक्ति धारा के हैं या फिर ये संत निर्गुण भक्ति धारा के हैं। तो इस वीडियो में हमने मीराबाई से संबंधित सभी बातों पर चर्चा की। ये हमारा राजस्थान कला और संस्कृति का लोक संत से रिलेटेड पार्ट 3 था। बाकी फिर हम नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।